नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। चार राज्यों के चुनावी नतीजे कल सामने आ गए थे। आज पांचवा राज्य यानी मिजोरम, वहां के भी नतीजे लगभग सामने आ गए हैं, जहां पर बदलाव की बयार इस बार देखने को मिल रही है। ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट सत्ता में आ रही है। 25 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर ली है ZPM यानी MNF मिजो नेशनल फ्रंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इस बार ZPM ने। ये देखिए आप, मिजोरम का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही 8 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है। तो MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट जो अभी सत्ता में थी उसको 10 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट उसको 27 सीटें मिली हैं। बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिजोरम की इस धरा पर। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और अदर के खाते में 0 सीट गई है। तो 40 सीटें हैं वहां पर, 40 सीटों में इस बार MNF की विदाई हो गई है और ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट सत्ता में आ चुकी है। 25 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, 27 पर बढ़त बनाए हुए हैं। 40 में 21 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं, बहुमत से कई ज़्यादा सीटें इस बार ZPM को मिली थी। उम्मीद नहीं थी किसी को इस बार ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट सत्ता में आ जाएगी, लेकिन इस बार MNF की वाकई में विदाई हो गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ा घमासान इस वक्त मचा हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन। राजस्थान के उस रेगिस्तान वाले रण में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वसुंधरा राजे या फिर दिया कुमारी या फिर वालकनार। तो बात जब मध्य प्रदेश की होगी तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन, मामा श्री जिनको हम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं वो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी देश के कृषि मंत्री हैं, या फिर कैलाश विजय वर्गीय या फिर कोई और। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी यही घमासान है, रमन सिंह या फिर कोई दूसरा चेहरा। हालांकि इससे पहले जब चार राज्यों के कल नतीजे सामने आ गए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में स्वागत किया गया, उस स्वागत के बाद से ही चर्चाएं और तेज हो गई हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है और 24 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी और रणनीति बनानी अभी से शुरू कर दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। 199 सीटों पर कल नतीजे आ गए और करीब 115 सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फतह का फहरा दिया, कांग्रेस को 69 पर ढेर कर दिया। तो ऐसे में सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा या फिर दिया कुमारी। चर्चा दोनों नामों की है, लेकिन इसके अलावा भी दो नाम है जो चर्चा में है, एक अर्जुन राम मेघवाल या फिर कोई और नाम। लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात होगी तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, जिनको बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री बना सकती है यानी मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। तो वो कौन से मध्य प्रदेश के 3 चेहरे हैं वो आप समझ लीजिए। पहले नंबर पर है कैलाश विजयवर्गीय का, जो इंदौर 1 से विधायक चुने गए हैं। दूसरा नाम है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो दिमनी से जीत कर आए हैं। और तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, लेकिन सस्पेंस है शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, क्या उनको बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं। तो राजस्थान में भी बड़ा सस्पेंस है, महारानी वर्सेज महारानी की जंग वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जयपुर राजघराने से ही दिया कुमारी भी आती हैं और वसुंधरा राजे जो 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 5 बार सांसदी का अनुभव है और कई बार की विधायक रही हैं। लेकिन जब वसुंधरा राजे के मुकाबले दिया कुमारी के हम अनुभव पर जाएंगे तो वो 1 बार की सांसद हैं और दूसरी बार विधायक बनी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या दिया कुमारी को इस बार सत्ता देगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, या फिर वसुंधरा राजे को ही कमान मिलेगी राजस्थान की। इस पर सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस कैसे खत्म होगा इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजने शुरू कर दिए हैं 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर उन्होंने अपनी पताका फहराई है, पताका लहराई है यानी भगवा को लहरा दिया है। तो अब 3 राज्यों के लिए बाकायदा पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं और वो वहां के नेताओं से संपर्क करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, वो तय करेगा इन 3 राज्यों में सत्ता में कौन विराजमान होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।